आपके गर्भस्थ शिशु की जो आंखों के लेंस हैं वो बनना प्रारंभ हो गए हैं, उसकी जॉ लाइन बनना प्रारंभ हो गई है। सातवें सप्ताह की शुरुआत में ही हार्ट बीट आ जाती है, उसकी हृदय की धड़कने आना प्रारंभ हो जाती है। सिर में अचानक से आपको दर्द महसूस होता है, पेल्विक हिस्से में आपको अचानक से बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा होती है। कोई भी घर पर बैठकर कोई भी पेन किलर बिल्कुल नहीं लेना। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आपको 100.4 फारेनहाइट से ऊपर अगर आपको फीवर आता है तो ऐसे में फिर आपको इमीडिएटली अपने गायनेक से मिलना। आप जैसे ही गर्भावस्था के सातवें सप्ताह में प्रवेश करते हैं तो सातवें सप्ताह का मतलब है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसको आपने हाफ कंप्लीट कर लिया है। जो आपकी पहली तिमाही है उसको आपने आधा पूर्ण कर लिया है। तो पिछले सप्ताहों की तरह आपको जो मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, मतली, ये सारी समस्या थी, नोजिया वोमिटिंग की बहुत ज़्यादा जो समस्या थी, मोस्टली महिलाओं को वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपके लिए ये जो परेशानी के दिन थे ये थोड़े टाइम के लिए ही बचे हैं। तो आपकी परेशानी पर चर्चा करने से पूर्व हम बात करते हैं आपके गर्भस्थ शिशु का इस सप्ताह में कितना विकास हुआ है और आपके गर्भस्थ शिशु के कौन कौन से अंग डेवलपमेंट होना शुरू हुए हैं, कौन कौन से अंग बन गए हैं। तो हम आपको बता दें, अगर सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट की, तो इस सप्ताह में यानी कि गर्भावस्था के सातवें सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की जो लंबाई है वो 1/4 इंच के लगभग हो गई है। और इस सप्ताह में जो आपकी गर्भाशय का आकार है, जो आपके बढ़ रहे गर्भाशय का आकार है, वो नॉर्मल सेफ के एक संतरे के बराबर हो गया है, जो आपका यूट्रस है। क्योंकि जैसे जैसे आपके बेबी का विकास होता जाता है, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी यूट्रस यानी कि आपकी गर्भाशय का साइज भी बढ़ता है, आपके गर्भाशय का जो आकार है वो भी बढ़ता है। तो इस सप्ताह में आपके गर्भाशय का आकार एक नॉर्मल साइज के संतरे के जितना हो गया होगा और उसी में आपका बेबी पनप रहा है। और बात करते हैं अंगों के विकास के बारे में, तो इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की जो आंखों के लेंस हैं वो बनना प्रारंभ हो गए हैं, उसकी जॉ लाइन बनना प्रारंभ हो गई है, उसके हाथों के और पैरों के शाइन अच्छे से उभर कर आ गए हैं। आपके गर्भस्थ शिशु का नन्हा सा हृदय इस समय धड़क रहा होता है, क्योंकि जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपकी गर्भावस्था के छठवें सप्ताह के अंत तक ही आपके गर्भस्थ शिशु का हृदय धड़कने लगता है, उसमें हार्ट बीट आ जाती है। और किसी कारणवश अगर आपके गर्भस्थ शिशु की छठवें सप्ताह के अंत तक हार्ट बीट नहीं आती है तो फिर ऐसे में आपके गर्भस्थ शिशु के सातवें सप्ताह की शुरुआत में ही हार्ट बीट आ जाती है, उसकी हृदय की धड़कने आना प्रारंभ हो जाती है। और इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु के बाकी सारे अंगों का विकास होना भी प्रारंभ हो गया है, जैसे मूत्राशय है, पाचन तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क है, हृदय है। हृदय में जैसे ही धड़कने आती है तो धड़कने आने से पूर्व ही उसका हृदय का विकास होना प्रारंभ हो जाता है और उसका पाचन तंत्र भी इस सप्ताह में डेवलप होना शुरू होता है। रीढ़ की हड्डी उसकी बनना प्रारंभ होती है, जहां आपका पिछले सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु था वो घुमावदार एक टैडपोल की तरह दिखता था, तो इस सप्ताह में आपके टैडपोल से दिखने वाले बेबी की जो पूंछ होती है उसकी लेंथ भी कम होती है, पूंछ से ही उसके पैरों के शाइन आना प्रारंभ होते हैं। और इस सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु की स्किन की एक बहुत ही हल्की पतली गुलाबी रंग की एक त्वचा आ गई है, एक लेयर आ गई है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। और आई होप कि आप अपने गर्भस्थ शिशु के विकास के बारे में समझ पाए होंगे। और अब बात करते हैं आपकी परेशानियों के बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में। तो पिछले सप्ताह की तरह ही आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो सकता है। हालांकि इस सप्ताह में जैसे जैसे आपके सप्ताह बढ़ते जाते हैं यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता जाता है, आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिलने वाली है। आपके ब्रेस्ट में जो पहले बहुत ज़्यादा पेन रहता था, जांघों में, पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता था, वो आपका जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता जाएगा सारी समस्याओं से
से आपको निजात मिलने वाला है। और इस सप्ताह में आपको मॉर्निंग सिकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो यूट्रस का साइज होता है वो जैसे जैसे बढ़ता है तो वो हमारे बॉडी के अंदर के हमारे बेली के बाकी सारे ऑर्गन्स को वो डिस्प्लेस करता है, तो हमें कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग सिकनेस और कब्ज से क्या रिलेशन है, वो हम आपको बता दें। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो मोस्टली महिलाओं को, जैसे आप सुबह जगते हैं, सुबह आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं तो उसके बाद ही ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा पेट खाली होता है, क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो 6 से 7 घंटे का बीच में गैप रहता है, 8 घंटे का भी गैप हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे में हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनती है पूरी रात भर में। तो ऐसे में जब आप सुबह उठते हैं, सुबह जब आप सो के जगते हैं, तो उस टाइम पर एसिड ज़्यादा होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग या मतली सा फील होता है। तो इससे बचने के लिए नॉर्मली आप जैसे ही आप सो के उठते हैं तो उठने के बाद आप बिस्तर छोड़ने से पहले ही आप बहुत लाइट सा कुछ खाने की कोशिश करें, जैसे आप कॉर्न्स वगैरह ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मली जो ब्रेड होता है, बिस्किट होते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिनको खाना आपको बेटर लगे, जिनको खाने से आपको वोमिट की इच्छा ना हो, आप 5 से 10 मिनट का गैप लेने के बाद इसको लें, आपको कब्ज से राहत मिलेगी। और कब्ज की वजह से उठने वाला जो सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वोमिट और मतली की प्रॉब्लम होगी, आपको उससे भी निजात मिलेगा। ये आपके मॉर्निंग में हो रही समस्या, जो नोज़िया वोमिटिंग की समस्या आपको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा रहती थी, ये उससे आपको राहत दिलाएगा। और इस सप्ताह में आपको फूड एवर्जन के साथ साथ फूड क्रेविंग्स की समस्या को भी देखा जाएगा। कई सारी महिलाओं को, फूड एवर्जन की बात करें तो जो चीज़ें मोस्टली उनको पहले अच्छी लगती थी, जिनका टेस्ट उनको पहले बहुत अच्छा लगता था, वो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में उस चीज़ का उनको टेस्ट ना अच्छा लगे, या फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है उस चीज़ की स्मेल लेते ही हमें वोमिट और मतली सा फील होता है, तो इसी को फूड एवर्जन बोला जाता है। और तरह तरह की चीज़ें खाने का आपकी इच्छा करना, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, तो कभी कशैला, आपको तरह तरह के स्वाद की चीज़ें खाने का अगर मन करे तो इसको फूड क्रेविंग्स बोला जाता है। तो आपको ये दोनों सारी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, मूड स्विंग्स की समस्या, ऐसी ही तमाम सारी समस्याएं जो कि आपको पिछले सप्ताह में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, और कई सारी समस्याओं से आपको निजात भी मिलेगा। वहीं कई सारी नई समस्याएं भी उनके जीवन में दस्तक दे सकती हैं उनकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आइए बात करते हैं कि आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी है, वो हम आपको बता दें। आपको अगर बहुत ज़्यादा तेज अचानक से सिर दर्द होता है, सिर में अचानक से आपको दर्द महसूस होता है, पेल्विक हिस्से में आपको अचानक से बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है, पेट के निचले हिस्से में, या फिर आपको पेट के में लेफ्ट साइड, राइट साइड, पेट के किसी भी हिस्से में अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आपको कोई भी घर पर बैठकर कोई भी पेन किलर बिल्कुल नहीं लेना है। आप कोई भी ऐसे ही जो नॉर्मल दिनों में पेट दर्द या फिर सिर दर्द के लिए आप पेन किलर्स यूज़ करती थी, आप उनको बिल्कुल नहीं ले सकती। ऐसे में आपको अपने गायनिक के पास तुरंत विजिट करना है, और वो आपकी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ली जाने वाली दवाइयाँ जो सेफ़ होती हैं, जो कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ख़तरे से, जो कि आपके मिसकैरेज के ख़तरे से आपको बचाती हैं, वो दवाएँ एडवाइस करेंगे, और आपको उनकी एडवाइस के अनुसार ही दवाएँ लेनी है। और कई बार आपको अगर फीवर की समस्या रहती है, आपको अगर बहुत तेज़ फीवर आता है, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको 100.4 फारेनहाइट से ऊपर अगर आपको फीवर आता है, तो ऐसे में फिर आपको इमीडिएटली अपने गायनिक से मिलना होता है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल विजिट करना होता है। और कई बार महिलाओं को कई सारी कॉम्प्लिकेशंस के चलते ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आपको भी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग दिख रही है, तो ऐसे में भी आपको घर पर बैठ के वेट नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना है। अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें, आप भरपूर पोषक तत्वों वाला जो भोजन हो वही ग्रहण करें, और बहुत ज़्यादा समय तक खाली पेट रहने से बचें, ये भी आपको मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को पैदा कर सकता है, आपकी एसिडिटी को बढ़ा सकता है, कब्ज को
बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आप कोशिश करें कि हर थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके आप कुछ ना कुछ जरूर लेते रहें। आपकी जो डाइट है आप उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके और थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद लें। और आपको यूरिन की समस्या को भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो हमारे मूत्राशय पर भी दबाव डालता है। तो आपका जैसे ही थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो हर बार आपको हर 10 से 15 मिनट बाद या फिर हर आधे घंटे बाद आपको यूरिन पास करने की आवश्यकता महसूस होगी। ऐसे में आप ज़्यादा देर तक यूरिन रोक के ना रखें, क्योंकि ऐसे में फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर आप ज़्यादा देर तक यूरिन रोक के रखते हैं तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ग्रोथ होती है। तो ऐसे में फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपके जितने भी दोस्त जितने भी फ्रेंड्स ने कंसीव किया है या फिर उन्होंने कंसीव करने का सोच रखा है तो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी के दौरान अपने गर्भस्थ शिशु के हो रहे विकास के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो सके, और कौन कौन सी उनको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा उसका भी नॉलेज उन्हें हो सके। तो अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ वाकई हेल्पफुल सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक लाइक से, आपकी एक कमेंट से और आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एक नई वीडियो लाने के लिए। अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। जितने सारे व्यूवर्स ने ऑलरेडी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।